नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। टोक्यो पैरालंपिक में भारत अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य सहित 19 पदक जीतकर तालिका में 24वें स्थान पर। खेलों का समापन शानदार समारोह के साथ हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारतीय खेलों के इतिहास में टोक्यो पैरालंपिक खेलों का हमेशा विशिष्ट स्थान रहेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 44 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। शिक्षकों से इस बात का विशेष ध्यान रखने को कहा कि सभी छात्रों की क्षमता, प्रतिभा, मनोविज्ञान और सामाजिक पृष्ठभूमि अलग अलग होती है। प्रधानमंत्री कल हिमाचल प्रदेश में कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लाभार्थियों और स्वास्थ्य कर्मियों से संवाद करेंगे। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 68 करोड़ 40 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.42%। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, डेनमार्क भारत का विशेष हरित रणनीतिक साझेदार। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्ला साहले ने तालिबान के अत्याचारों को समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र से मदद की अपील की। डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट कोलकाता में शुरू और ओवल में इंग्लैंड के साथ चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने दूसरी पारी में अब तक 331 रन की बढ़त बनाई। समाचार संध्या में मुकेश कुमार के साथ मैं विशाल शर्मा। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112398046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। टोक्यो पैरालंपिक खेल आज समाप्त हो गए। निशानेबाज अवनी लेखरा समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक रहीं। पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली अवनी पहली भारतीय महिला हैं। भारत अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए पदक तालिका में 24वें स्थान पर रहा। एक रिपोर्ट। 24 अगस्त से शुरू हुए टोक्यो पैरालंपिक खेल आज समाप्त हो गए। समापन समारोह का आयोजन कोविड प्रोटोकॉल के साथ सादगी के साथ किया गया। समारोह में भारत की ओर से 11 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इन खेलों में 163 देशों के लगभग 4500 खिलाड़ियों ने 22 खेलों की 540 स्पर्धाओं में अपनी चुनौती पेश की। पेरिस में होने वाले अगले पैरालंपिक में नया इतिहास रचने की उम्मीदों के साथ खिलाड़ियों ने टोक्यो पैरालंपिक को अलविदा कहा। कोविड महामारी के दौरान स्वास्थ्य से जुड़े कर्मियों को सम्मान देने के लिए तैराकी के खिलाड़ियों और नर्सों ने जापान के ध्वज के साथ सबसे पहले स्टेडियम में प्रवेश किया। इस दौरान स्टेडियम वायलिन की मधुर ध्वनि से गूंज उठा। साथ ही दृष्टिबाधित बैंड वादकों ने मधुर धुन छेड़ी और पूरा स्टेडियम संगीतमय हो गया। बैडमिंटन को पहली बार ओलंपिक में शामिल किया गया था। भारत के 7 खिलाड़ियों ने अलग अलग वर्गों में भाग लिया और 4 पदक अपने नाम किए। प्रमोद भगत और कृष्णा नागर ने स्वर्ण, जबकि सुहास यथिराज ने रजत और मनोज सरकार ने कांस्य पदक जीता। इन खेलों में भारत ने 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक सहित कुल 19 पदक जीते हैं। नवीन सक्सेना, स्पोर्ट्स डेस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय खेलों के इतिहास में टोक्यो पैरालंपिक का हमेशा एक विशिष्ट स्थान रहेगा। श्री मोदी ने कहा कि ये खेल प्रत्येक भारतीय को हमेशा याद रहेंगे और पीढ़ियों को खेलों के प्रति प्रेरित करेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय दल का प्रत्येक सदस्य चैंपियन है और प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने अब तक के सबसे अधिक पदक जीते हैं, जिससे भारतीयों का हृदय उत्साह से भर गया है। उन्होंने खिलाड़ियों को लगातार सहयोग देने के लिए उनके परिजनों, खेल स्टाफ और प्रशिक्षकों की सराहना की। श्री मोदी ने कहा कि इस सफलता से खेलों में बड़ी भागीदारी सुनिश्चित करने की उम्मीद बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि ओलंपिक और पैरालंपिक में असाधारण आतिथ्य सत्कार, विस्तृत जानकारी और एकजुटता का संदेश फैलाने के लिए जापान, विशेषकर टोक्यो की जनता और जापान की सरकार की सराहना की जानी चाहिए। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि यह भारत के पैरालंपिक खिलाड़ियों की अभूतपूर्व सफलता है और एक नए युग की शुरुआत है।
उन्होंने कहा कि 2016 के रियो पैरालंपिक में जितने भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया था, इस बार भारत ने उतने ही मेडल जीते हैं। My heartfelt congratulations for both the medalists, winning a gold and a silver medal for us. If you compare it with the 2016-19 member contingent, today we have won 19 Olympic Paralympic medals. It clearly showcases India has done well. Our medal has increased say about 5 times. It's a big achievement. A big congratulations all the athletes. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल दिया है। आज शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति ने कहा कि बच्चे की योग्यता और पृष्ठभूमि को देखते हुए ही उसकी शिक्षा पर ध्यान दिया जाना चाहिए। शिक्षकों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक विद्यार्थी की क्षमता अलग होती है, उनकी प्रतिभा अलग होती है, मनोविज्ञान अलग होता है, सामाजिक पृष्ठभूमि व परिवेश भी अलग अलग होता है। इसलिए हर एक बच्चे की विशेष जरूरतों, रुचियों और क्षमताओं के अनुसार उसके सर्वांगीण विकास पर बल देना चाहिए। किसी भी समाज में निहित प्रतिभा के संयोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी शिक्षकों की ही होती है। एक अच्छा शिक्षक व्यक्तित्व निर्माता है, समाज निर्माता है और राष्ट्र निर्माता भी है। राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा प्रणाली के जरिए बच्चों में देश प्रेम की भावना बलवती होनी चाहिए। शिक्षकों का कर्तव्य है कि वे अपने विद्यार्थियों में अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करें। संवेदनशील शिक्षक अपने व्यवहार, आचरण व शिक्षण से विद्यार्थियों का भविष्य संवार सकते हैं। विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा प्रदान करनी है जो ज्ञान पर आधारित न्यायपूर्ण समाज के निर्माण में सहायक हो। हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे विद्यार्थियों में संवैधानिक मूल्यों तथा नागरिकों के मूल कर्तव्यों के प्रति निष्ठा उत्पन्न हो, देश के प्रति प्रेम की भावना मजबूत बने तथा बदलते वैश्विक परिदृश्य में वे अपनी भूमिका के बारे में सचेत रहें। राष्ट्रपति ने आज देश के 44 श्रेष्ठ शिक्षकों को वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपने जीवन को दिशा देने वाले सभी शिक्षकों के प्रति सम्मान व्यक्त किया है। उपराष्ट्रपति ने हैदराबाद में 11वें वार्षिक चिकित्सा शिक्षक दिवस पुरस्कार समारोह में कहा कि सरकारी क्षेत्र में युवा डॉक्टरों के लिए पहली पदोन्नति से पूर्व ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करना अनिवार्य होना चाहिए। श्री नायडू ने कहा कि युवा डॉक्टरों के लिए 3 से 5 वर्ष के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करना जरूरी होना चाहिए क्योंकि देश की 60% आबादी गांवों में रहती है। हर जिले में कम से कम एक चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने की सरकार की योजना की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले डॉक्टरों के अनुपात में अंतर बहुत अधिक है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षक दिवस के अवसर पर कहा कि नई शिक्षा नीति देश में बदलाव लेकर आएगी। जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन होना शुरू हुआ है जिसमें हम 21वीं सदी को एक नई ऊंचाई की ओर ले जाने के लिए कटिबद्ध है, संकल्पबद्ध है और आज की शिक्षक दिवस इसीलिए महत्वपूर्ण होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की क्रियान्वयन का पहले सालगिरह के अवसर पर यह पहला शिक्षक दिवस है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खेल प्रशिक्षकों को नवीनतम जानकारी हासिल करने, नई चुनौतियां स्वीकार करने और नई प्रशिक्षण तकनीकों से अवगत रहने को कहा है। आज कर्नाटक में बेंगलुरु में भारतीय खेल प्राधिकरण के केंद्र में शिक्षक दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि सरकार खिलाड़ियों के साथ है और प्रधानमंत्री ओलंपिक खिलाड़ियों के साथ समय व्यतीत करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि खेलों के प्रति सोच बदलने की और जब सरकार हर तरह की सुविधाएं दे रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं खिलाड़ियों से बात करते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं तो निश्चित तौर पर समाज के बाकी वर्ग भी, चाहे वो कॉरपोरेट हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो, फेडरेशन हो, आम आदमी की सोच को भी। आज जो फ्लाइट में था तो बहुत सारे लोग आकर बधाई दे रहे थे कि ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में भारत ने बहुत अच्छा किया है, तो एक बदलाव आया है जो पहले कभी केवल क्रिकेट के लिए मिलता था, अब ओलंपिक्स खेलों के लिए भी देखने को मिल रहा है। राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्त करने के बाद प्रसन्नता व्यक्त करते हुए पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों ने श्री कोविंद की इन भावनाओं को प्रतिध्वनित किया कि राष्ट्र निर्माण में उनकी महान भूमिका है। आकाशवाणी ने लद्दाख के मोहम्मद अली से बात की।
मुझे इस नेशनल टीचर अवार्ड से नवाजा गया है उसके लिए मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा। जो हमारे टीचर हजरात हैं वो आगे कैसे और अच्छे अच्छे काम करके एजुकेशन को और बेहतर करने की कोशिश करें ताकि हम इंडिया में एजुकेशन सिस्टम को और अच्छा कर सकें और हमारे बच्चों को और आगे ले जा सकें। राजस्थान के दीपक जोशी ने कहा कि विद्यार्थियों की छिपी प्रतिभा को उभारने का मूल दायित्व शिक्षकों का है और अच्छा शिक्षक व्यक्तित्व निर्माण में निश्चित रूप से सहायक होता है। भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, एक छोटे से गांव के शिक्षक को इतना बड़ा सम्मान, इतना बड़ा पुरस्कार दिया, ये मेरे लिए एक स्वप्न की पूर्ति के समान है। और पुरस्कार जो है वो सभी शिक्षक समाज को मैं समर्पित करना चाहूंगा और इस पुरस्कार के बराबर के हकदार मेरे विद्यार्थी भी हैं। और मैं सभी शिक्षक साथियों को ये मैसेज देना चाहूंगा कि विद्यार्थी हित जो है वो सबसे पहले है, हम सभी मिलकर विद्यार्थी हित के लिए, समाज हित के लिए सदैव कार्य करते रहें ताकि हम एक समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को शिक्षक पर्व संगोष्ठी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर शिक्षा क्षेत्र में कई प्रमुख पहल का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री सुनने में अक्षम व्यक्तियों के लिए भारतीय संकेत भाषा डिक्शनरी, दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए श्रव्य पुस्तकों और सीबीएसई के स्कूल क्वालिटी एश्योरेंस तथा असेसमेंट फ्रेमवर्क का भी शुभारंभ करेंगे। इस वर्ष शिक्षक पर्व का विषय है गुणवत्ता और संधारणीय स्कूल, भारत में स्कूलों में प्रवीणता। पूर्व राष्ट्रपति डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पौत्र और पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव केशव देसीराजू का आज सुबह चेन्नई में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 66 वर्ष के थे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि श्री देसीराजू हमेशा देश की बेहतरी के लिए काम करते रहे। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के तहत 68 करोड़ 46 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 71,61,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। कल 38,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 97.42% है। अब तक 3,21,00,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। कल 42,000 से अधिक नए मरीजों की पुष्टि हुई। वर्तमान में 4,00,000 से अधिक संक्रमित रोगियों का इलाज चल रहा है। अब तक 53,82,00,000 कोविड जांच की जा चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हिमाचल प्रदेश में कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लाभान्वितों और स्वास्थ्य कर्मियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद करेंगे। हिमाचल प्रदेश में समूची पात्र आबादी को कोविड टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। राज्य सरकार ने टीकाकरण के लिए महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांगजनों, औद्योगिक श्रमिकों और दिहाड़ी मजदूरों पर विशेष ध्यान दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। हेलो राधा, बारिश से बचने के लिए छाता तो मैं ले आई। डेंगू और चिकनगुनिया से बचने का उपाय वो कौन करेगा, ये तो किसी ने बताया ही नहीं। मैं बताती हूँ, पानी से भरी टंकियों और बर्तनों को अच्छी तरह ढककर रखें। हर सप्ताह कूलर को खाली करके सुखाकर दोबारा भरें। घर व आसपास टूटे बर्तन, डिब्बे, टायर इत्यादि में पानी जमा न होने दें। मच्छरों के काटने से बचने के लिए कॉइल, क्रीम, मशीन आदि का प्रयोग करें। डेंगू के मच्छर दिन में काटते हैं, इसलिए पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने। बुखार हो तो डॉक्टर की सलाह लें। समझ गई? हाँ समझ गई, और दूसरों को भी बताऊंगी। ये कुछ आसान उपाय अपनाएं, डेंगू चिकनगुनिया को दूर भगाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। टोक्यो पैरालंपिक में भारत अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य सहित 19 पदक जीतकर तालिका में 24वें स्थान पर रहा। खेलों का समापन शानदार समारोह के साथ हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारतीय खेलों के इतिहास में टोक्यो पैरालंपिक खेलों का हमेशा विशिष्ट स्थान रहेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 44 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। शिक्षकों से इस बात का विशेष ध्यान रखने को कहा कि सभी छात्रों की क्षमता, प्रतिभा, मनोविज्ञान और सामाजिक पृष्ठभूमि अलग अलग होती है। प्रधानमंत्री कल हिमाचल प्रदेश में कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लाभार्थियों और स्वास्थ्य कर्मियों से संवाद करेंगे। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 68 करोड़ 46 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.42%। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा
डेनमार्क भारत का विशेष हरित रणनीतिक साझेदार। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह ने मानवता के खिलाफ अत्याचारों को खत्म करने के लिए संयुक्त राष्ट्र से मदद की अपील की। डूरंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट कोलकाता में शुरू, और ओवल में इंग्लैंड के साथ चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने दूसरी पारी में अब तक 346 रन की बढ़त बनाई। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास। तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर हर सोमवार। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि डेनमार्क के साथ भारत का विशेष संबंध है। ये एकमात्र देश है जिसके साथ भारत की हरित रणनीतिक साझेदारी है। उन्होंने कहा कि दोनों देश पर्यावरण हित को ध्यान में रखकर प्रगति के रास्ते पर बढ़ना चाहते हैं। भारत डेनमार्क संयुक्त आयोग की चौथी बैठक की सह अध्यक्षता करने के बाद विदेश मंत्री ने बताया कि इससे पहले संयुक्त आयोग में दोनों देशों के 10 कार्य समूह थे और इस बार इसमें 11वें समूह को जोड़ा गया है जो स्वास्थ्य के बारे में है। श्री जयशंकर ने कहा कि डेनमार्क की लगभग 200 कंपनियां भारत में काम कर रही हैं और बड़ी संख्या में भारतीय कंपनियां भी डेनमार्क में मौजूद हैं। डॉक्टर जयशंकर 3 यूरोपीय देशों स्लोवेनिया, क्रोएशिया और डेनमार्क की 4 दिवसीय यात्रा के अंतिम चरण में डेनमार्क में थे। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने गृह युद्ध से जूझ रहे अफगानिस्तान में मानवता के खिलाफ अत्याचार रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र से मदद मांगी है। संयुक्त राष्ट्र को लिखे एक पत्र में सालेह ने कहा है कि पंजशीर अफगानिस्तान का एकमात्र ऐसा प्रांत है जो तालिबान के कब्जे में नहीं आया है, लेकिन आगे यहां बड़ी तबाही की आशंका है और बड़ी संख्या में अफगान नागरिकों के मारे जाने का खतरा है। पंजशीर अफगानिस्तान के पूर्व कमांडर अहमद शाह मसूद के पुत्र अहमद मसूद के नेतृत्व वाले नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट और पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह का गढ़ है। ये दोनों मिलकर तालिबान को जबरदस्त चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। करीब 2.5 लाख लोग पंजशीर घाटी में फंसे हुए हैं, जिनमें स्थानीय महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और आंतरिक रूप से विस्थापित 10,000 लोग शामिल हैं। बांग्लादेश के सूचना और प्रसारण मंत्री डॉ हसन महमूद कल नई दिल्ली में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बंग बंधु मीडिया सेंटर का उद्घाटन करेंगे। ये मीडिया सेंटर भारत में बांग्लादेश उच्चायोग के सहयोग से खोला जा रहा है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और बांग्लादेश के उच्चायोग ने बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्मशती मनाए जाने के उपलक्ष्य में ये संयुक्त पहल की है। इस अवसर पर दोनों पक्षों की ओर से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। ये मीडिया सेंटर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। प्रेस क्लब के प्रथम तल पर इस सेंटर की एक प्रदर्शनी दीर्घा और एक पुस्तकालय होगा। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग एक राष्ट्र का जन्म। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। आज हम भारत के स्वाधीनता संघर्ष में सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक की बात कर रहे हैं। आज ही के दिन 1920 में स्वराज की मांग को लेकर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। ये गांधी जी का पहला अखिल भारतीय सत्याग्रह था। अप्रैल 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुए जनसंहार से उपजे देशव्यापी आक्रोश से इस आंदोलन को ताकत मिली। जलियांवाला बाग कांड के दोषी जनरल डायर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने में ब्रिटिश सरकार के टालमटोल रवैये ने आग में घी का काम किया। चूंकि जनरल डायर ने ही पुलिस को भीड़ पर गोलीबारी का आदेश दिया था, लिहाजा पूरे देश में उसके खिलाफ गुस्सा था। गांधी जी ने अहिंसक तरीके से इस सत्याग्रह का नेतृत्व किया।
इस दौरान लोगों ने अपनी उपाधियां लौटा दी। सरकारी शैक्षिक संस्थाओं, अदालतों, सरकारी नौकरियों, विदेशी सामानों और चुनावों का बहिष्कार किया तथा कर देने से भी साफ इनकार कर दिया। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में शायद ये पहला मौका रहा होगा जब अंग्रेजी सरकार को समूचे भारत से विरोध का सामना करना पड़ा। जाहिर है इससे अंग्रेज सरकार हिल गई। ये बात और है कि चौरी चौरा जैसी कुछ घटनाओं ने अहिंसक आंदोलन को नुकसान पहुंचाया, इसलिए गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन अपना लक्ष्य हासिल करने में असफल रहा, लेकिन इसने लाखों भारतीयों को उत्साह से भर दिया। बहिष्कार और सत्याग्रह ने हर भारतीय तक राष्ट्रवाद की पहुंच बना दी। ये पहला आंदोलन रहा जिसके बाद हर भारतीय की एक ही चाह रह गई, भारत को आजाद कराना। भारतीय मूल्यों पर चलने वाले स्कूल और कॉलेज खोले गए। इसी दौरान खादी और दूसरी स्वदेशी चीजें आंदोलन का प्रतीक बन गई। आज ही के दिन महान देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी कप्पा लोटिया तमिलन वीओ चिदंबरम पिल्लई का भी जन्म हुआ था। वे तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में जन्मे द तमिल हेल्म्समैन के नाम से भी मशहूर थे। मद्रास प्रेसिडेंसी में वीओसी के नाम से भी जाने जाते थे। वे युवावस्था में ही बाल गंगाधर तिलक से प्रभावित हो गए। ये वो दौर था जब मद्रास प्रेसिडेंसी में सुब्रमण्यम भारती सक्रिय थे, वो भी वहाँ स्वदेशी के प्रमुख प्रवक्ता बनकर उभरे। वीओ मशहूर वकील भी थे। मद्रास प्रेसिडेंसी में उन्होंने हथकरघा उद्योग के विकास के लिए धर्म संघ नेसा वोचलई और स्वदेशी स्टोर शुरू किया। कह सकते हैं कि स्वदेशी उत्पादन और कारोबार के वे नेता थे। वीओ ने नेशनल गोडाउन, मद्रास एग्रो इंडस्ट्रियल सोसाइटी लिमिटेड और द देसा बिमना संगम जैसी अनेक संस्थाओं के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद वे राजनीतिक संघर्ष में दिलचस्पी लेने लगे थे। उस समय जहाजरानी उद्योग पर अंग्रेजों का एकाधिकार था। वीओ पहले भारतीय थे जिन्होंने स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी शुरू की। उन्होंने कंपनी के लिए भाप से चलने वाले दो जहाज एसएस गल्लिया और एसएस लावोए खरीदा था। इन जहाजों के जरिए तूतीकोरिन और कोलंबो बंदरगाहों के बीच कारोबार और आवागमन हो रहा था। स्वदेशी आंदोलन को व्यापक रूप देने के उनके प्रयासों के कारण ब्रिटिश राज से उनका विवाद बढ़ता गया और 12 मार्च 1908 को राजद्रोह के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनका बैरिस्टर का लाइसेंस वापस ले लिया गया। हाईकोर्ट में अपील के बाद दिसंबर 1912 के आखिर में उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। 1936 के आखिर में स्वदेशी के इस प्रबल प्रवक्ता ने अपनी अंतिम सांस तक स्वदेशी और स्वाधीनता संघर्ष की मशाल जलाए रखी। विद्वान, लेखक और निडर स्वाधीनता सेनानी वीओसी का जीवन प्रतिरोध, संघर्ष और राष्ट्रहित के लिए बलिदान की कहानी है। वीओसी को शत शत नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आकाशवाणी समाचार ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष क्विज शुरू किया है। ये क्विज अगले साल 15 अगस्त तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में शामिल होगा। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं।
हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल amritmahotsavquiz@gmail.com पर अपने जवाब भेज सकते हैं। जवाब के साथ आप अपना नाम, पता और फोन नंबर भी भेजिए ताकि विजेता बनने पर हम आपसे संपर्क कर सकें। विजेता का चुनाव ईमेल पर मिले सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा, साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। इंग्लैंड के साथ ओवल में चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच में चायकाल तक भारत ने दूसरी पारी में 8 विकेट पर 445 रन बना लिए थे। भारत ने अब तक 346 रन की बढ़त ले ली है। आज चेतेश्वर पुजारा 61, शार्दुल ठाकुर 60 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर आउट हुए। भारत ने पहली पारी में 191 और इंग्लैंड ने पहली पारी में 290 रन बनाए थे। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों ही टीम 1-1 की बराबरी पर हैं। ड्यूरेंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट का 130वां संस्करण आज से कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में शुरू हुआ। मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब ने भारतीय वायुसेना फुटबॉल टीम को हराकर अपने अभियान की शुरुआत की। एशिया के सबसे पुराने क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट के इस संस्करण में 16 टीम खेल रही हैं। फाइनल 3 अक्टूबर को खेला जाएगा। विदेशी निवेशकों ने पिछले महीने भारतीय पूंजी बाजार में लगभग 16,500 करोड़ रुपए का निवेश किया। इस महीने के पहले 3 सत्रों में विदेशी निवेशकों ने भारत के पूंजी बाजारों में 7,768 करोड़ रुपए का निवेश किया। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने 2,083 करोड़ रुपए इक्विटी में और 14,376 करोड़ रुपए ऋण बाजार में लगाए। ऋण क्षेत्र में इस वर्ष अब तक का यह सबसे बड़ा निवेश है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में साफ सफाई और स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। बारिश के कारण होने वाले संचारी रोगों की रोकथाम के उद्देश्य से चलाए जा रहे इस अभियान में फॉगिंग और स्वच्छता पर जोर दिया जाएगा। राज्य के कई जिलों में संक्रामक बीमारियां फैल रही हैं। और अब एक नजर कल के मौसम पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहेंगे और हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। मुंबई में बादल छाए रहेंगे और तेज वर्षा हो सकती है। चेन्नई और कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहने और सामान्य वर्षा होने का अनुमान है। लेह में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। गिलगित और मुजफ्फराबाद में भी सामान्यतः आसमान साफ रहेगा। पूर्वोत्तर के ज्यादातर शहरों गुवाहाटी, अगरतला, इम्फाल, शिलांग, आइजोल, कोहिमा, ईटानगर और गंगटोक में सामान्यतः बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। गुवाहाटी में तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। इम्फाल में तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। शिलांग में तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। टोक्यो पैरालंपिक में भारत अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य सहित 19 पदक जीतकर तालिका में 24वें स्थान पर रहा। खेलों का समापन शानदार समारोह के साथ हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारतीय खेलों के इतिहास में टोक्यो पैरालंपिक खेलों का हमेशा विशेष स्थान रहेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 44 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। शिक्षकों से इस बात का विशेष ध्यान रखने को कहा कि सभी छात्रों की क्षमता, प्रतिभा, मनोविज्ञान और सामाजिक पृष्ठभूमि अलग अलग होती है। प्रधानमंत्री कल हिमाचल प्रदेश में कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लाभार्थियों और स्वास्थ्य कर्मियों से संवाद करेंगे। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 68,46,00,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.42%। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, डेनमार्क भारत का विशेष हरित रणनीतिक साझेदार। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह ने मानवता के खिलाफ अत्याचारों को समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र से मदद की अपील की। ड्यूरेंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट में कोलकाता में शुरू और ओवल में इंग्लैंड के साथ चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने दूसरी पारी में चायकाल तक 346 रन की बढ़त बनाई। इसके साथ ही
समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।